Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? तो आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और अब जल्दी से फिर एक बार काम को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे आज नए आए हैं, शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को इस सेशन को देखना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या नया कुछ सीखा है। तो गाइज आज बात करते हैं, छोटा सा ये सेशन रहेगा, आपको पता ही है कि एक रिकॉर्डेड सेशन है और इसमें मैं आप लोगों को एक पॉइंट बस कराने वाला हूं, एडजेक्टिव्स का सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार मुझे स्क्रीन पर लाया जाए। तो गाइज आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं जो एडजेक्टिव्स होता है उसमें आप लोगों ने देखा कि उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। हर डिग्री का अपना एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आप लोगों के लिए छोटा सा सेशन ये इसलिए लेके आया ताकि आप लोगों का कोई टच बिल्कुल भी ना छूटे। छुट्टियां चल रही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक रूल भी अगर मैं आपको भी सिखा गया और इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग आपके सामने करवा गया तो कोई भी दिक्कत फिर आप लोगों को आने वाली नहीं है। रिदम आप लोगों का बना रहेगा। एग्जाम यार आने वाला है, 4 महीने ये एग्जाम के हैं, ये 4 के 4 महीने आप लोगों को अपना रिदम तोड़ना नहीं है। आइए बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। जो सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों की होती है वो आप लोगों की, उसको हम बोल देते हैं क्या, दैट इज दी हाइएस्ट डिग्री, हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। क्या होता है वो? हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, इस तरह से आप उसको यूज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसे बिग आपने देखा, अगर मैं बात करूं बिग होता है, उसका कंपैरेटिव क्या हो गया? बिगर हो गया। ठीक है सर, ये बिगर बना दिया। और सुपरलेटिव क्या हो गया, जरा लिख के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना जरा जल्दी से। ये आपका हो गया बिगेस्ट, बिग हो गया, बिगर हो गया, बिगेस्ट हो गया, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया? बिग हो गया, बिगर हो गया, बिगेस्ट हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में ना, मैं आप लोगों को बस एक रूल बता रहा हूं और वो रूल जो है आप लोगों ने अगर सीख लिया तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो जिंदगी में कभी आपको वो भूलेगा नहीं। बस इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं और स्ट्रक्चर है आप लोगों का ये, कंप्यूटर महोदय पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा उसके बाद आप लेना इसको, ठीक है। हाँ, यहां से लेते हैं। तो गाइस ये एक रूल होता है। अगर मैं बात करूं इस रूल के बारे में, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस एक रूल से आप लोग के समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले तो ये काम करना आप लोगों ने, अगर मैं इस रूल को आप लोगों को समझा दूं, पहले तो इसको सीखना है। जब मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को, फिर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको रूल को लिखना है और अपनी कॉपी में कम से कम इसको 10 से 15 बार लिख के देखना है। जब आप लोगों के दिमाग में ये छप जाएंगे ना, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में आने नहीं वाली है। जरा देखिए एक बार, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर सुपरलेटिव डिग्री है तो डेफिनेटली आर्टिकल द विल बी देयर। नाउन या तो आ सकता है या ऑफ ऑल अगर आएगा तो प्लूरल नाउन हम यूज करेंगे भाई, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है सर, प्लूरल नाउन आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं अदर के बारे में, अगर आप लोग सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर रहे हो, प्लीज 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 मेरी बात आप मानिए कि एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी अदर वहां पर यूज नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले इसको लिखा है फिर इसको काटा है। 99.9% ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के एग्जाम्स में पूछी जाती है और दीज आर कॉल्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप लोगों को तो आपके टिप्स से होना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि यार ये रूल तो मुझे पता नहीं था, तो उसके लिए तो ये वीडियो एक जेन्युइन प्रोडक्ट की तरह साबित हो सकता है कि आप लोगों को तो भाई मिस ही नहीं करना है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट मेरे देख रहे होंगे जो जिनको ये ऑलरेडी रूल पता होगा या पहले उन्होंने किया होगा, रिवाइज कर लीजिए। जिनको नहीं पता है सीख लीजिए, जिनको पता है आंसर कर दीजिए, दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में इसको लिख के दिखाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द
प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या तो नाउन आएगा सर, या ऑफ ऑल अगर आएगा तो सर सिर्फ उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। और कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में आप लोग आर्टिकल अदर का यूज नहीं कर सकते। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर वन बाय वन आप लोगों के क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ऑफ ऑल अदर माय नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट टू अदर्स। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आई होप आपने देखते ही, जैसे ही आपने वो देखा होगा मेरा रूल देखा होगा, अभी तक भी कई बच्चों ने लिखा नहीं है, जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में लिखिए ना एक बार सब्जेक्ट। मैं आपके लिए देखो, मैं क्यों बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि भगवान कभी मुझे ना भुलाए। इसलिए जब आप लोग ये बोलते हो कि सर जब तक एग्जाम आते हैं तो अपना दिमाग एक बार दे दीजिए, मैं नहीं चाहता, मैं आप लोगों के दिमाग को ही इतना इंपॉर्टेंट बना देना चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसी बात कहने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, ऑफ ऑल अदर नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट टू अदर्स। अगर मैं बाहें पे बात करूं, ऑफ ऑल अदर यहां पे आ गया, यार ऑफ ऑल की बात हो रही है, यहां पे ही इज द काइंडेस्ट हो, काइंड काइंडर काइंडेस्ट आप यूज कर सकते हो, अदर जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। अगर मैं बात करूं आंख बंद करके, क्वेश्चन नंबर वन का जो आपका आंसर होगा दैट विल बी क्या, आंसर नंबर वन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। अगर देखें यहां पे, दिस डेस्क कंटेन्स द मोर पॉपुलर एनसाइक्लोपीडियाज एंड साइंस जनरल्स फॉर द स्टूडेंट्स। ये वाला जो पर्टिकुलर डेस्क है ये क्या कंटेन करता है, द मोर पॉपुलर एनसाइक्लोपीडिया। देखिए भाई, अगर मोर की मैं बात करता हूँ, एक होती है आपका पॉजिटिव डिग्री मच, या मैं अगर काउंटेबल की बात करूँ तो वो हो जाएगी मैनी। तो इन दोनों का जो कंपेरेटिव होता है वो होता है मोर, और सुपरलेटिव बनता है मोस्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं यहां पे मोर के बारे में, तो मोर तो कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव तो के पहले तो द आता ही नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द कभी आता है, आता है सर कब, जब या तो केस हो जाए सर ऑफ द टू का। ये पॉइंट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपके किसी सेंटेंस में ऑफ द टू फ्रेज दिया हुआ है उसमें हमेशा और हमेशा आर्टिकल द यूज होगा और कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। ये मैंने एडजेक्टिव्स की जो रात वाली क्लास होती है 11:30 वाली, उसमें मैंने आपको बड़े डिटेल में करवा रखा है। ये जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिस डेस्क कंटेन्स द मोर, नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मोर की जगह पे आ जाएगा क्या, मोस्ट। दिस डेस्क कंटेन्स द मोस्ट पॉपुलर एनसाइक्लोपीडियाज एंड साइंस जनरल्स फॉर द स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए और एक लाइक कर सकते हैं। जो भी बच्चे आज नए देख रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को ना भूलें। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो है, द लेटेस्ट चैप्टर ऑफ दिस नॉवल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ द बुक। पहली बात आप लोग देखेंगे सर ऑफ ऑल आया हुआ है तो यहां पे द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ है, सर सुपरलेटिव डिग्री तो आई हुई है। आप लोग चलेंगे ऑल के बाद सर अदर भी नहीं आया हुआ, इसका मतलब सर नो एरर है, नहीं नो एरर नहीं है, इसमें एरर है, लेटेस्ट यहां पे आया हुआ है। यार लेटेस्ट जो होता है वो डिजाइन के लिए यूज करते हैं, लेटेस्ट कोई फैशन के लिए यूज करते हैं, लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी के लिए यूज करते हैं, लेटेस्ट कभी चैप्टर के लिए, चैप्टर कभी लेटेस्ट हो सकता है क्या, आप मुझे बताइए। अगर मैं बात करूं यहां पर लेट के बारे में, लेट लेटर और आपका लेटेस्ट, लेट लेटर लेटेस्ट, ठीक है ना। लेटेस्ट जो होता है आपका वो आपका नवीनतम के लिए यूज होता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड नवीनतम। और जो आपका अगर मैं बात करूं, एक आपका होता है अंतिम, वो अंतिम की बात कर रहा है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना, इसको इस वाले एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, ये ऑर्डिनल है आपका। तो द यहां पर लेटेस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, द लास्ट हो जाएगा। द लास्ट चैप्टर of this novel is the most comprehensive of all the chapters in the book. I hope ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। कई बार बच्चे जो हैं वो डाउट कर लेते हैं, सर फर्दर आएगा, एफ यू आर टी एच यू आर आएगा, या आपका फार्दर आएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पहले जो आपका 11:30 लेक्चर लिया था उसमें मैंने कई क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग कराए थे। फर्दर का मतलब होता है गाइज नेक्स्ट, और फार्दर का मतलब होता है सर दूरी, डिस्टेंस। ये चीज़ें आप लोगों को हल्के हल्के याद कर लेनी है। अगर इन चीज़ों को याद कर लोगे तो फिर ये बार बार मुझे इन चीज़ों को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लोग ये
ये तीनों चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो जल्दी से मुझे बताइए। कंप्यूटर में जरा एक बार स्क्रीन पर ले आइए बच्चों को। तो गाइज ये आपका छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सेशन मैंने आपका बनाया ताकि एक फॉर्मूला पूरा मैंने आप लोगों को बताया, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर हमें ये रिवाइज करा दिया आपने, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि इंडिया में और बच्चों की तरफ भी ये मैसेज मेरा पहुँच जाए। तो अपने नए रिदम के साथ मिलते हैं आपको अगली क्लास में, एक अच्छे फर्वर के साथ, एक अच्छे रिदम के साथ। 4 महीने आपके बचे हुए हैं SSC CGL के लिए और इस बार तो 2020 में जॉब बस ले लेनी है। अगर कोई बच्चा SSC अड्डा पे नया आया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।